हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और फ्रेंड्स, मैं आपके सामने हाजिर हूँ फिर से एक नया वीडियो लेकर, आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर। और फ्रेंड्स, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो प्लीज़ जो है धूप में घर से बाहर ना निकलें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और जो भी काम है उसे ठंड ठंड में निपटा लें। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो है आप लोगों का मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। तो ये है हैंकी टक इन साड़ी इन डिफरेंट स्टाइल। तो आज जो है मैं आपको हैंकी टक इन साड़ी में करके दिखाऊंगी, जो बिल्कुल सिंपल सिंपल डिजाइन होते हैं वो वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, मैंने ये वाला हैंकी ले लिया है, ये न्यू हैंकी है, फर्स्ट बार जो है मैं इससे हैंकी टक कर रही हूँ। तो ये हैंकी मैंने लिया है और इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर लूंगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने एक फोल्ड कर लिया है और एक फोल्ड मैं इसे फिर से और करूंगी। तो ये मैंने फोल्ड कर लिया है। तो देखिए, कुछ इस तरह का जो है आपको दिखाई देगा। ये बॉर्डर साइड प्रिंट है इसका और ये ऐसा प्रिंट है। अगर आप चाहें तो इसे इस तरह से टक कर सकते हैं। अगर आप इसे शो करना चाहते हैं तो आप इसे इस तरह से जो है टक कर सकते हैं। देखिए, काफ़ी जो है ये अच्छा लगता है और बिल्कुल सिंपल सिंपल जो है डिज़ाइन है। और अगर आप इसे हाइड साइड में टक करना चाहते हैं तो आप जो है इधर इसे टक कर सकते हैं इस तरह से, और आपका जो पल्लू है वो इस पे आ जाएगा इस तरह से। तो ये देखिए, आपका हैंकी भी टक हो गया है और आपको कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा। तो चलिए नेक डिजाइन ट्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो डिज़ाइन है इसी को हम एक और फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से आप जितना बॉर्डर चाहें, अब जैसे मैंने इतना बॉर्डर जो है ये छोड़ दिया है, तो इस तरह भी जो है हम इसे टक कर सकते हैं। और आप चाहें तो थोड़ा और ले सकते हैं इसे इस तरह से। देखिए, ये इसमें डबल लेयर आ गई है। देखिए, उसी डिजाइन से जो है हमने ये वाला डिजाइन बनाया है और देखिए काफी जो है अच्छा लग रहा है। और इसे हाइड साइड में हम टक करेंगे, तो इधर जो है मैं इसे टक कर लूंगी। ये देखिए, हाइड साइड में जो है इधर टक हो जाएगा ये। और अगर ये ऐसे रही तो आप थोड़ा हाथ से जो है इसे प्रेस कर लीजिए और फिर जो है हमारा पल्लू इस पे आ जाएगा। तो ये देखिए, तो चलिए नेक्स्ट डिजाइन ट्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैंकी जो है मैंने ओपन कर लिया है और इसको जो है ये एक सिंगल फोल्ड है, इसको हम एक और फोल्ड करते हैं इस तरह से। ये देखिए, बिल्कुल सिंपल डिजाइन में आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें ज्यादा फोल्डिंग की जरूरत नहीं होती है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे फोल्ड किया है और इसको जो है हम इस तरह से टक कर लेंगे। ये वाली डिजाइन जो है आपने देखा होगा आपकी मम्मा को, दादी माँ वगैरह को कमर पे लगाए हुए। देखिए, इस तरह से जो है हम इसे टक कर सकते हैं। और अगर इसे आप हाइड साइड में टक करना चाहते हैं तो इधर इसे टक कर सकते हैं, थोड़ा आप इधर कर लीजिए इसे, जिससे कि ये पल्लू से अच्छी तरह से आपका छुप जाए। तो चलिए नेक्स्ट डिजाइन ट्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए ये वाला जो डिज़ाइन है उसी को हम क्या करेंगे, इसको जो है ये देखिए मैं आपको यहाँ पे रख के दिखा रही हूँ। एक फोल्ड इस तरह से करेंगे, एक फोल्ड हम ऐसे करेंगे और एक फोल्ड हम ऐसे करेंगे, या फिर आप इसको ऐसे ही फोल्ड कर लीजिए और ये वाले किनारे इनका ध्यान रखिए कि सेंटर में हो। और इसको देखिए, इस तरह से जो है हम अंदर डाल लेंगे और ये डिजाइन जो है आपका आएगा इस तरह से। देखिए, ये देखिए मेरे जो है फ्लावर दिख रहे हैं और बॉर्डर दिख रहा है, तो काफी अच्छा जो है ये लुक लगता है। आपको जिधर से अच्छा लगता है आप उधर लगा सकते हैं। तो ये देखिए, काफी अच्छा लुक आता है। और इधर अगर आप हाइड साइड में टक करना चाहते हैं, आप चाहें
तो इसे इस तरह भी टक कर सकते हैं, देखिए इस साइड से भी, पर ये फ्लावर उल्टे हो जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपके हैंकी में ऐसा डिजाइन है कि वो अगर इस तरह से सुंदर लगता है तो आप जो है उधर भी इसे लगा सकते हैं। इस पे जो है ये पल्लू आ जाएगा, तो ये हमारा हाइड साइड जो है हैंकी टक हो जाएगा और काफी जो है अच्छे लगते हैं। बहुत ही सिंपल डिजाइन है और बहुत ही जो है क्रिएटिविटी दिखती है आपकी। अगर आपको हैंकी लगाने का शौक है, टक करने का, तो आप जो है प्लीज कीजिए इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में। तो अब हमें क्या करना है कि देखिए, मैंने ये वाला जो कॉर्नर है ना ऊपर वाला, इसको ऐसे पकड़ा है, एक फोल्ड ऐसे किया है, ये देखिए जैसे कीप बनाते हैं ना उस तरह से, और एक फोल्ड मैंने ऐसे किया है। तो ये देखिए कुछ जो है कीप का डिजाइन बन गया है। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो कॉर्नर है ना, जो कॉन बना है ऊपर, और ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। तो ये भी काफी अच्छा डिजाइन है, बिल्कुल सिंपल। इसे भी जो है हम इस तरह से टक कर सकते हैं, इस तरह से, देखिए काफी जो है अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। और हाथ से आप इसको प्रेस कर लीजिए, ये भी क्या न्यू हैंकी है तो थोड़ा ऐसा लग रहा है। और इसे हाइड साइड में हम टक करेंगे, तो इधर टक कर लेंगे, ये देखिए, ये भी काफी अच्छा लगता है। इस पे जो है ये पल्लू आ जाता है हमारा हाइड साइड में, तो काफी सुंदर जो है डिजाइन लगते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये हैंकी को ओपन कर लिया है, देखिए। और इस हैंकी को जो देखिए, ये वाला इसका सीधा हिस्सा है, मतलब इस पे जो पेंट अच्छे से हो रहा है उसे मैंने जो है इधर रखा है। और इसको जो है मैं रोल करूंगी इस तरह से, फोल्ड करती जाऊंगी, तो ये जो है कुछ इस तरह का बन जाएगा। देखिए ये न्यू हैंकी है ना, तो इसमें थोड़ा कलफ है, तो इस वजह से ये थोड़ा खुल रहा है। पर आपको जो है इस तरह का डिजाइन दिखाई देगा बांसुरी जैसा, तो इसको भी जो है हम इस तरह से टक कर सकते हैं। काफी अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर सकते हैं, या फिर आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से भी जो है आप इसे कर सकते हैं। ये न्यू हैंकी ना, तो थोड़ा जो है अभी ये टाइट है, तो इस तरह से जो है आप इसे टक कर सकते हैं। और हाइड साइड में अगर आप इसे टक करना चाहें तो इधर से जो है आप इसे टक कर सकते हैं, हाथ से प्रेस कर लीजिए। तो ये हो गया। और अब मैं आपको एक बिल्कुल लास्ट और बहुत ही सुंदर डिजाइन, जो सबको बहुत पसंद आती है और मेरी भी जो है फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए मैंने हैंकी को जो है ओपन कर लिया है, और इसे फिर से जो है मैं इस तरह से रख रही हूँ। और हमें जो है जिगजैग स्टाइल जो होती है ना, जिस तरह से साड़ियों की प्लेट बनाई जाती है, ये देखिए इस तरह से आपको प्लेट्स बनानी है। इस तरह से देखिए साड़ियों की जो प्लेट होती है ना, उस तरह से जिगजैग स्टाइल में। और इसे जो है हाथ से प्रेस कर लेंगे फ्रेंड्स हम, से।
तो फ्रेंड्स इनको जो है मैंने प्रेस कर लिया है अच्छे से, मतलब हाथ से प्रेस किया है। और ये देखिए इस तरह का जो है ये डिजाइन बन जाएंगी पंखुड़ियां। और इसको जो है आप बराबर में कर लीजिए इस तरह से, ये देखिए। इस तरह से बन जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, सयोनारा जैसा। तो इसको भी जो है हम टक कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सुंदर लगता है मोर पंख का ये डिजाइन। इस तरह से इसको जो है आप सेट कर लीजिए। तो ये न्यू हैंकी ना, मैं आपको बोल रही हूँ इसमें कलफ है थोड़ा, तो इस वजह से ये ऐसा हो रहा है थोड़ा। बहुत ही सुंदर लगता है फरी डिजाइन। और इधर जो है हम इसे हाइड साइड में टक कर सकते हैं, तो पल्लू आ जाएगा। और फ्रेंड्स मेरे देखिए कितने पसीने आ गए हैं आप लोगों के वीडियो बनाते हुए, तो प्लीज मेरे इन पसीनों के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी जाइएगा नहीं। तो फ्रेंड्स मैंने जो है आपको डिफरेंट स्टाइल्स में राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों साइड जो है हैंगी टक करके दिखाया है। और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं मेरे। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये आज का ये ब्लॉग जो आपका रिक्वेस्टेड ब्लॉग था पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के प्यार की साथ की जरूरत है तो प्यार के साथ बनाए रखिए। फिर मिलूंगी आप लोगों से आपकी ही पसंद के वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।